किसान हित में कानून लेकर आए थे और देश हित में वापसी ले रहे। न ये तीनों कानून किसान के हित में थे, निश्चित ये देश सभी का है। देश में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो देश के किसान का है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नई शुरुआत करते हैं, देश का किसान भी कह रहा है कि भाई एक आपने सकारात्मक पहल करी, ठीक बात है, अपना आपने एक कानून वापसी ले लिया, क्योंकि कॉरपोरेट्स के लिए कानून बने थे। किसान का एक सुधार का कानून भी, सुधार का नाम भी इसमें नहीं है। हम या किस मतलब पूरा किसान बिरादरी, हम ना बाजार भाव की बात अभी कर रहे, ना हम ये कह रहे कि भाई हमें मूल्य सूचकांक जिस तेजी में और वस्तुओं के रेट बढ़ रहे, चाहे उसमें जरूरत माने वाली सारी चीजें हैं, वो पेट्रोल डीजल से लेकर सीमेंट ईंट सरिया सब चीजों को लेकर जिस तेजी से उसके रेट बढ़ रहे, ना हमने उसकी बात करी। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार के द्वारा तय है उस पर एक गारंटी दायरे में हमारी फसलें आवे, इससे नीचे हमारी फसल ना बिके, वो हमारा हक है और इस हक को लेकर ये आंदोलन जारी रहेगा। 750 किसान मूवमेंट के दौरान शहीद हुए हैं, वो उनके परिवारों की क्या स्थिति है, वो सारी चीज़ें मुआवजे संबंधित चीज़ें हैं वो देखें। इसी तरीके से और भी जो स्टेट वाइज अलग अलग जो प्रॉब्लम है, जैसे उत्तर प्रदेश की गन्ने किसान की होगी, बिजली के रेट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा की समस्याएं अलग हैं, इसी तरीके से पंजाब, मतलब हर स्टेट की अलग अलग समस्याएं हैं। वार्ता का दरवाजा खोल लें और अच्छे मूड में, जिसमें सिर में तोड़ियां ना हो, ना संयुक्त मोर्चे के नेता के मैं हूँ ना फिर सरकार की हूँ, और बातचीत का रास्ता खोल के, जब उन्होंने कहा कि नई शुरुआत करते हैं तो नई शुरुआत MSP की गारंटी से एक शुरुआत हो, अच्छे माहौल में एक सकारात्मक पहल अब शुरुआत होनी चाहिए। देश सबका है, निश्चित राष्ट्र जब मजबूत होगा, जब देश का किसान मजबूत होगा। यही आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक साल कल हो जाएगा, 26 तारीख को अपने अपने बॉर्डर पर ज़्यादा से ज़्यादा किसान वहाँ पहुँचेंगे, और जो कार्यक्रम, क्योंकि अगले दिन फिर 27 तारीख को संयुक्त मोर्चे की जो नेता हैं उनकी बैठक होगी, 29 तारीख का जो कार्यक्रम है वो इसी तरीके से जारी रहेंगे जो बिल्कुल चल रहा है। और संयुक्त मोर्चे ने एक पत्र भी लिखा है कि हम वार्ता करना चाहते हैं। जो हमारे 750 किसान शहीद हुए, क्या उनके खून के धब्बे लेकर किसान घर जाएगा? क्या वे कभी माफ कर देंगे उनके परिजन? उन्होंने शहादत दी है इस किसान आंदोलन के लिए। और जो आपने एक बात कही कि सभी ने सहयोग किया, उनका भाई सभी लोगों का ये आंदोलन था, अगर इन कानूनों के आप प्रावधान देखते तो जो आम आदमी कंज्यूमर दुकानदार निश्चित बर्बादी कगार पर जाता, महंगाई किस कदर छूती। किसान का तो आंदोलन ये कह रहा था कि जो हमें यही नहीं पता कि हमारी रेट, हमारे फसल के दाम क्या हैं, हम किस दाम में अपनी फसल बेचेंगे, महंगाई किस कदर बढ़ती। मुनाफाखोरी के लिए जमाखोरी का कानून जो था ये था, आप लोग ने, सभी लोगों ने जो है, व्यापारियों ने, सभी लोगों ने उसमें सहयोग किया। और निश्चित हम प्रधानमंत्री जो फिर कह रहे हैं कि अगर आप देश हित की बातचीत कर रहे हैं, सभी लोगों का सहयोग लेकर, सब लोगों को आगे बढ़ने की बातचीत कर रहे हैं, तो आंदोलन का पटक सेप, आंदोलन को सह सम्मान किसान को अपने घर भेजे, एक वार्ता का दौर निश्चित जल्द दौर पर शुरू होना चाहिए। व्यापारियों के लिए आप क्या मांग करते हैं? भाई ये व्यापारियों के लिए ये है कि आप GST वाला जो एक बड़ा मुद्दा है, GST में बहुत व्यापारी बर्बाद हुए, और सबसे ज्यादा अगर 7 साल में आप देखोगे NPA के जो अकाउंट्स हैं वो सबसे ज्यादा इसी सरकार में बढ़े हैं, तो मिलकर ही ये लड़ाई लड़ी जा रही। शहीद स्मारकों के बनाने की बात आ रही है, तो क्या स्थानीय स्तर पे भी किसानों के शहीद स्मारक बनाए जाएंगे गांव-गांव? अभी तो ये बॉर्डर की बातचीत है कि भाई जहाँ सिंधु बॉर्डर होगा, गाजीपुर हो गया या टिकरी बॉर्डर हो गया, वहाँ वहाँ जगह मिले और स्मारक बनने चाहिए, उन्होंने शहादत दी है। और ये ऐसी ही लड़ाई है, अगर इसमें आपको आजादी की लड़ाई देखनी हो तो ये लड़ाई आप देख सकते हैं, ये देश गुलाम ना हो, ये आंदोलन उसका।